तन तन सतगुरु भगवान दा साहेब आप जी दी सदा, तन तन सतगुरु सेवा राम साहेब, तन तन साहिब संत माता जी आप जी नु कोट कोट नमस्कार। तुझे आगे अरदास मारी, ज्यो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी चिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु महाराज रामदास हो सा, अर्जन हर गोविंद सिमरों श्री आए, श्री आचरण ते आइए जिद छे सतुख जाए, श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए कानों निदावे ताए, दसम पातशाह श्री गोविंद सिंह जी महाराज सब छाई होना सहाय, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी पुत्र वाणी की महिमा कही न जाए, तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए जिन्हें धर्म का मार्ग दिया बताए, तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी जिन्हें नाम दिया बताए, तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी जिन जम तो याद छदाए, तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी जिन चरणी याद गाए, तन तन सतगुरु भगवान दास जी जो अंते होए साहे, तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी जो अंग संग होए साहे, निमाणिया दे मान सतगुरु, नीतान्या दे तान सतगुरु, नियो ज्ञान दियो दुनिया सिंह के आसरा, निर्लज्ञा दी लज निपत्या दी पत, गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी आप दी अजूरी संगता कतर होके आप दे चल कमलचा दास बेनती जोड़ियां कर रही हैं, पातशाह कीता जोड़िए कम सोहर प्या किए, कारे जे सुहा सतगुर सचता किए, संतान संग निदान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए, नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए, आप जी जे मां वाक अनुसार आप जी जी ओ टासरा लैक, आप बेर करनी बख्शिश करनी शुद्ध वाणी पढ़न दा बल बख्शना, जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे ये आप जा संगतां दे हिरदे चोर सामने बख्शे ते रामता करनी, आप जा आप इन्हां संगतां नूं आप उठा उच्चा बख्श के अपने दस दरबार दी हाजरियां बख्शनी, आप जा बख्शे ते ना विछड़ी ना विछाणी ना भुल्ली ते ना भुलावी, जनां दा प्यार बख्शना अमृत वेल का जागना बख्शना, इशनान का दान बख्शना, दोनों कदम चने बख्शना, स्वास स्वास भजन करने की ताकत बख्शनी, आपने सूह साहब के रचन सचखंड दरबार दियाँ हाजरियाँ बख्शिया, बख्शे ते रहमत करनिया सरबत संगत दे पातशाह जी अरदास बेनती है, पातशाह तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर सदा सदा तू त्या ही बख्शिश करनी, आप जी जी हुक्म अनुसार चार पैर सुखली उचित हुई है, दिन चलिया पातशाह जी आप जी का कोट कोट शुकराना, अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत मेरे दी बाकी दा दिन सुखदा बताना, सही सजन मेरे ने जिन्ना मेरिया उच्चा सुचा नाम चेता वे, श्री गुरु नानक नाम चल जी कला तेरे पानी चल बच का पला, जिन्ने तुद नो तन के हा तिन जम नेड़ नाया,
तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने
तुधनो तन के हाँ तिन जम नेड़ दयाभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन के हाँ तिन जम नेड़ तारे अजान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनो नेड़ना मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरपोते निर्वैर मेरे सतगुरु सेवा राम जी सतगुरु सेवा राम जी साडे अंग संग होए साए सतगुरु सेवा राम जी साडे अंग संग होए साए साहेब संत माता जी ने कीता है कमाल सारयानू इकट्ठा करके रख्या है समाल नाम जप दे नाम जपांदे इना दा कारोबार तन तन श्री गुरु नानक जामा चरना तो बलिहारे तन तन छेवे पाशा जी जामा चरना तो बलिहारे तन तन साहेब संत माता जी दे चरना तो बलिहारे साहिब संत माता जी आप जी नो कोट कोट नमस्कार दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ हो ऐसे पत खसम ले नूर अरसों कुरसों चटिया तुद दिते सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सच जे गुर पुर माया क्यों ए दो बोलो हटिया तुद दिते सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटिए सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटिए एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन सिर सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु साधुरा साहिब सच्चे पातशाह जी साखी तुलसी दे प्राणों सतगुरां फांसी होण तो बचाया सन 1941 ईस्वी गर्मी दी रुत विच
श्री सदगुरु भगवान दास जी अटक पार मनेरी पिंड मजियां लई पौं खरीदन गए हुए सन ते संत तेजा राम दे घर डेरा लाया होया सी। सवेरे गुरुद्वारे कीर्तन तो उपरंत सतगुरां इस शब्द की कथा की। पैरो महला पंजवां जिस तू राखै तिस कौन मारै सब तुझ ही अंतर सगल संसार कोट पाव चितवत है प्राणी सो होवे जे करे चोज विडाणी राखो राखो कृपा धार तेरी शरण तेरे दरबार आओ जिन सेवया निरपो सुख दाता तिन पौ दूर किया एक पराता जो तू करे सोई पुन होए मारे न राखे दूजा कोए क्या तू सोचे मानस बाण अंतर जामी पुरख सुजान एक टेक एको आधार सब किच जाने सिरजनहार जिस ऊपर नदर करे करतार तिस जन के सब काज सवार तिस का राखा एको सोए जन नानक अपड़ नाम साके कोए। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने दसिया पंचम पातशाह इस जीव रूपी इस जीव प्रति फुरमाउंदे हन हे प्रभु जिसनू तू बचाए उसनू कोई नहीं मार सकता जिसनू तू बचाए उसनू कोई मार नहीं सकता क्योंकि सारे संसार विच सारी उत्पत्ति तेरे ही अधीन है। हे भाई अपने वास्ते करोड़ा हीले सोचदा रहिंदा है पर ओही कुछ होंदा है जो अचरज चोज करन वाला परमात्मा करदा है। हे प्रभु मैं तेरी शरण आया हाँ मैं तेरे दर ते आया हाँ मेहर करके मेरी रखिया कर। हे भाई जिस मनुख ने निरपौ अते सारे सुख देण वाले परमात्मा नू सिमरिया है उसने अपना हर एक डर दूर कर लिया उसने एक परमात्मा नाल ही डूंगी सांझ पछाण पा ली। हे प्रभु जो कुछ तू करता है वो ही होंदा है तेरे बिना कोई दूजा ना किसे नू मार सकता है ना बचा सकता है। हे भाई तू अपने मनुखी स्वभाव अनुसार की सोचता रहिंदा है सर्व व्यापक परमात्मा हर एक दे दिल दी जानन वाला है सियाणा है असा जीवां दी ओही टेक है ओही आसरा है जीवां नू पैदा करन वाला ओ प्रभु सब कुछ जानदा है। हे भाई मन करके
तन करके एक उस प्रभु दा ही आसरा फल ओ अकाल पुरक प्रभु सब किछ जानदा है। हे भाई करतार, जिस मनुख ते मेहर दी निगाह करदा है उस सेवक दे उस सारे कम सवारदा है। उस मनुख दा राखा ओ परमात्मा आप ही बनया रहंदा है। पंचम सतगुरु जी फुरमाउंदे हन, जगत दा कोई जीव उस दी बराबरी नहीं कर सकता। भोग पैण तो उपरंत तेजा राम ने संगतां नूं दस्या, रात नूं कीर्तन दुकान दी छत उपर होवेगा। रात 8 बजे पहुँचकर कीर्तन दा आनंद माणो ते सतगुरां दे मुखारबिंद तो अमृत बचन सुनकर अपना जीवन सफला करो। उस समय तुलसीदास कवि भी संगतां विच बैठा होया सी। एक सरकारी नौकर सी, कुछ दिन पहले ही ए मनेरी पिंड रहन लई आया सी। इसने पहली बारी सतगुरां दे उपदेश कथा अते प्रवचन श्रवण कीते सन। इसते इस संगत दा चंगा प्रभाव पिया ते घर जाए कर इसने सतगुरु जी दी उपमा करदिया कविता लिखनी शुरू कर दिती। नाल नाल मन विच सोचन लगा, ए मैनू पूरन साध जापदे हन, मेरे भरा नूं फांसी दा हुक्म हो चुका है, परसों अपील दी सुनवाई है, जेकर ए साध सतगुरु जी कृपा दृष्टि कर देन तां मेरा भरा फांसी लगन तो बच जाएगा। इस तरह ओ सोचां दे समुंदर विच डुबिया रहा अते नाल नाल कविता भी लिखता गया। वो अपने मन दे भाव कविता द्वारा दर्शाना चाहुंदा सी। रात नूं ओ ठीक समय ते कीर्तन श्रवण करने पहुँच गया ते जाएकर संत तेजा राम नूं आख्या, जो मैनू भी कविता बोलन दा वक्त जरूर देवियो। जद रागी सिंह जोड़ी वाजा खोल कर तैयारी कर रहे सन ता संत तेजा राम ने सतगुरां तो आग्या लेकर इसनू कविता सुनान लई किया। इसने पहलों सतगुरां नूं नमस्कार कीती ते फिर कविता पढ़नी इस तरह शुरू की थी। कविता मेरे सतगुर कैमलपुर देने सानू आके दर्शन देंदे ने, तन मन उसदा खिड़ जांदा है जो दर्श साहिबां दा पांदे ने। मेरे सतगुर कैमलपुर देने सानू आके दर्शन देंदे ने, तन मन उसदा खिल जांदा है जो दर्श साहिबां दा पांदे ने। इन्हां साहिबां दे सोहणे चेहरे तों कोह नूर भी सदके कर देवा, साहिबां दे सोने मुखड़े तो पर चोल लुटा मैं जर देवा।
साहिबां दे सोहणे चेहरे ते कोई अजब जिहा लिशकारा है। साहिबां दे सोहणे मुखड़े तों दिसदा कोई रब प्यारा है। साहिबां दे सोहणे चेहरे ते कोई अजब जिहा लिशकारा है। साहिबां दे सोहणे मुखड़े तों दिसदा कोई रब प्यारा है। साहिबां दी सोहणी रसना तों सतनाम दी बरखा वसदी है। तन पाग इना दी माला दे जो रब मिलन दा रसदा दसदी है। मेरे साहिब मेरे साहिब कैमल पुर देने अज विच मनेरी आए ने। तन पाग इना गुर सिखा दे जिना दर्शन आके पाए ने। मस्तक नूरानी वेख तेरा सब सिख तेरे पे चुल देने। तन पाग इना गुर सिखा दे जो चरना विच पे रुल देने। इना साहिबां दा दर्शन औखा है लखा तो हथ भी आवे ना। मेरे साहिबां दे सोहणे सिखा नू रब ततीवा भी लावे ना। इना साहिबां दा दर्शन औखा है लखा तो हथ भी आवे ना। मेरे साहिबां दे सोहणे सिखा नू रब ततीवा भी लावे ना। मेरे सतगुर कैमल पुर देने सानू आके दर्शन देंदे ने। तन मन उसदा खिड़ जांदा है जो दरस साहिबां दा पांदे ने। तन तन सतगुरु भगवान दा साहेब आपजी दी सदाई जय। तन तन सतगुरु सेवा राम साहेब आपजी दी सदाई जय। कविता तो उपरंत रागी सिंघा ने कीर्तन कीता। जद कीर्तन दा पोग पिया तां तुलसीदास ने सतगुरां दे चरणा ते मत्था टेकिया। तां सतगुरां ने चौधरी सेवा राम तो जद इस दे बारे पुछिया तां चौधरी ने दस्या कि इस दा नाम तुलसीदास है। कुछ दिन होए इत्थे रहन आया है। ये स्वाबी तहसील विच सरकारी नौकर है। इसका एक भरा है जिससे कतल का मुकदमा चल रहा है। उसनों परसों के दिन फांसी होण का हुक्म हो चुका है। इसने अपने भरा लई पिशोर कचहरी विच अपील कीती हुई है। आप कृपा करो ते इस दे भरा नूं फांसी होण तों बचा लवो जी। तुलसीदास दा विलाप तुलसीदास तां विलाप ही करन लग पिया। चौधरी तों इस तरह सुन के सतगुरु जी कुछ चिर लई विस्मात दे घर विच हो गए।
जद नेत्र खोले ता तुलसीदास तो पूछया, तेरा भरा सचमुच दोषी है? ता तुलसीदास ने बेनती की थी, जी मेरा भरा दोषी नहीं है, पिंड दे खान ने किसी होर नू बचाण लई इस ते कतल दा इल्जाम लगा के इस नू फसाया है। ता साहिबां फुरमाया, जेकर वो दोषी नहीं ता सतगुरु संगता साहिब जी उस दी रखिया करनगे। सतगुरां ते भरोसा रखो ते सिमरन करिया करो। ये बचन सुन के तुलसीदास ने बेनती की थी, मैं अजे तक गुरु तारण नहीं कीता, आप जी नामदान दी बख्शिश करके मैनू अपना बना लो जी, अते मेरे ते कृपा करो जो मैं सिमरन कर सकां जी। ता सतगुरां हुक्म कीता, कल सवेरे गुरुद्वारे आ जावी, कल सवेरे गुरुद्वारे आ जावी। ये दूजे दिन सवेरे गुरुद्वारे पहुँच गया, भोग पैण तो उपरंत सतगुरां इसनू रहनिया दस के नाम दा दान दिता। ते सतगुरां भगत श्री चंद नू हुक्म कीता, इस दे भरा दे बरी होण लई अरदासा करो। तां भगत श्री चंद ने इस दे भरा दे बरी होण लई अरदास कीती। फिर ए सतगुरां तों आग्या लैकर पिछोर चला गया। रात पर ए सतगुरां नू याद करदा रहा ते जोदड़ी करदा रहा। सवेरे कचहरी गया, जद जज ने मिसल उठा कर देखी ते पिछले मैजिस्ट्रेट दा फैसला पढ़िया ता कहन लगा, इससे मालूम होता है जो कत्ल इसने नहीं किया ते इसनू निर्दोष लिखकर बरी कर दिता। ते पुलिस नू हिदायत की थी, जो असली मुल्जम नू गिरफ्तार कीता जावे। इधर मनेरी पिंड भगत श्री चंद गुरुद्वारे समाधि लगाकर बैठे सन। जद समाधि खुली ता कोल बैठे बंदियां नू दसिया कि तुलसीदास दे भरा नू साहिबां बरी कर दिता है। शाम नू चौधरी सेवा राम नू बरी होण दी तार भी मिल गई। जद रात नू चौधरी ने संगतां नू दसिया, जो सतगुरु जी दी कृपा द्वारा तुलसीदास दा भरा बरी हो गया है, तां संगतां दसिया ए तां सानू दिने ही भगत श्री चंद ने दस दिता सी जो ओ बरी हो गया है। तां सारी संगत नू भगत जी दी कीर्ति दा पता लग गया ते कहन लगे, सतगुरु भगतां दे वस है, जद उस दे भगतां विच इतनी शक्ति है तां सतगुरु कितना कु शक्तिवान होवेगा। पिंड विच भगत जी दी चर्चा होण लग पई। उस दिन तो लोकी भगत जी दा बहुत आदर ते सत्कार करन लग पे। जब तुलसीदास मनेरी पिंड वापस आया तां दूजे दिन सवेरे साहिबां दे दर्शन अते धन्नवाद करन गया। जब मत्था टेकिया
ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਓ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੀ ਕਰਤਾਰੇ ਬਾਦ ਸਹਾ ਸਾ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ਸਰਣ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ। ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਰਾਗੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣ ਕਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਪੈਰੋ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਸਮਾਈ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਦੀਨ ਮਨ ਮੰਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਰੇ ਰਹਾਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੋ ਜਮ ਜੋ ਨ ਸਾਕੈ ਰਤੀ ਅੰਚ ਦੁੱਖ ਨ ਲਾਈ ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਦੁਬਿਧਾ ਰਤੀ ਨਰਾਈ ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਦ ਕਿਛ ਬੁਝੈ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਅਵਰ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਾਮ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ।
ਉਸਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਇਕੀ ਫੁਰਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਸੇਵਕ ਤੈਥੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜ ਲਓ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਜਮਰਾਜ ਵੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤੀ ਭਰ ਅਰਥਾਤ ਰਾਈ ਭਰ ਵੀ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤੀ ਭਰ ਅਰਥਾਤ ਰਾਈ ਭਰ ਵੀ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਅਜਾਣ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਅਰਥਾਤ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁੱਕਾਂ ਪੜਵਾਈਆਂ। ਜਗਤ ਉਪਾਏ ਤੁਧ ਤੰਦੇ ਲਾਇਆ, ਬੋਂਡੀ ਘਰ ਕਮਾਈ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ, ਸਬਦ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਮਨਮੁਖ ਮਰੈ ਤਿੰਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ, ਦੁਰਮਤ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰਾ, ਪਵ ਜਲ ਪਾਰ ਨ ਪਾਵੈ ਕਭੀ, ਡੂਬ ਮੁਵੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸਿਰ ਪਾਰਾ। ਸਾਚੈ ਸਬਦ ਰਤੈ ਜਨ ਸਾਚੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦ ਪਛਾਣੀ, ਸਾਚ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਏ। ਤੂੰ ਆਪ ਨਿਰਮਲ, ਤੇਰੇ ਜਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਧਾਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜਗਤ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜੁਆਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ
ਆਤਮੀ ਮੌਤ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਤਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਭੈੜੀ ਮਤ ਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਪੜਨੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੋੜ ਸਹਿੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਤਰੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਰਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਰਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਨੋਟ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸੀ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਨ ਤਨ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ।
धन धन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाही। धन धन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाही। साखी ब्रह्मदास चिंगली वाले दी। ब्रह्मदास चिंगली पिंड दा निवासी ते चौधरी सेवा राम मनेरी वाले दा मित्र सी। एक दिन इसनों पेट विच बहुत सख्त दर्द हुई। पिंड दे हकीमा तो इलाज करवाया पर कोई फायदा ना होया। ता ए स्वाबी हस्पताल विच इलाज कराण गया। डॉक्टर ने चंगी तरह वेख के कहा, तेरे पेट विच ता गोला बन गया है, जो ऑपरेशन करन नाल ही ठीक होवेगा। परसों मर्दान तो सर्जन ने आना है, उस तो ऑपरेशन करा देंगे, इसलिए तू हस्पताल दाखिल हो जा। ये सुन के ब्रह्मदास घबरा गया। बहुत डॉक्टरों ने कहा कि मेरा पिंड बहुत दूर है, पर मेरा एक मित्र नाल ही मनेरी पिंड विच रहिंदा है, मैं उसनू दस के वापस आ जांदा हाँ। ब्रह्मदास अस्पताल तो सीधा चौधरी सेवा राम को लाया ते घबरांदिया होया दसिया कि डॉक्टर कहंदे हन तेरे पेट विच एक गोला है, इसनू ऑपरेशन करके निकालना पवेगा। चौधरी जी, मैं ऑपरेशन कराण तो बहुत डरदा हाँ, तुसी दसो मैं हुण की करा। तां चौधरी सेवा राम ने कहा, तू साढ़े सतगुरां कोल खैमलपुर चला जा, उना पास दुआ ते दवा दोनों हन, जो उना दी तेरे ते कृपा हो गई तां तेरी बीमारी बिना ऑपरेशन दे ही ठीक हो जाएगी। तां ए चौधरी नू कहंदा है, तुसी मेरे नाल सतगुरां कोल चलो, मैं कैमलपुर कदे नहीं गया ते ना ही मैं पहला कदी सतगुरां दे दर्शन कीते हन। चौधरी ने ब्रह्मदास नू आख्या, सतगुरां दे दर्शन करन लई मन ता मेरा भी बहुत करदा है, पर मैं किसे जरूरी काम करन तेरे नाल नहीं जा सकदा करन कारण पर मैं किसे जरूरी काम कारण तेरे नाल नहीं जा सकदा। तैनू पता लिख देंदा हाँ, मैं सवेरे तैनू टांगे ते बिठा देंगा, टांगे वाला तैनू जहांगीरा स्टेशन तो कैमलपुर लई टिकट भी लै देगा। जब स्टेशन ते गड्डी आएगी उस ते बैठ जाना अते नाल ही नाल दे किसे बंदे नू आख देना, जदों कैमलपुर स्टेशन आ गया तां दस दई। ब्रह्मदास नू दूजे दिन सवेरे चौधरी ने टांगे ते बिठा दिता। अगों ओ गड्डी ते बैठ के कैमलपुर पहुँच गया अते पुछदा पुछदा साहिबां दे द्वारे ते पहुँचया। तां साहिब जी बाहर ही खलोते सन, पर पछाण ना होण करके उन्हां तों ही पुछदा है, श्री सतगुरु भगवान दास जी इत्थे ही रहिंदे हन? तां साहिबां कहा,
हाँ वो इत्थे रहिंदे हन, वो सामने बंदे बैठे हन, तू भी उत्थे जाके बैठ जा। वो हुणे ही आण वाले हन। ये संगतां विच जाके बैठ गया। थोड़ी देर पिछों सतगुरु जी जद अंदर आके पलंग ते बिराजे ते बैठे सिखां ने उठकर वारी वारी चढ़ना ते मत्था टेकिया, तां ए नाल खलोते एक सेवक नू पुछदा है, यही सतगुरु जी हन? हाँ जी, ये साढ़े सतगुरु जी हन। उसने उत्तर दिता। तां सब तो पिछों इसने जाके मत्था टेकिया ते खिमा मंगी, जो मैं आप जी नू पछाण नहीं सी सकिया। तां सतगुरां पूछिया, तू कित्थों आया है? तां ब्रह्मदास ने बेनती कीती, मैं चिंगली दा रहण वाला हाँ, मेरा नाम ब्रह्मदास है, चौधरी सेवा राम मनेरी वाला मेरा मित्र है, उसने ही मैनू इत्थे आप जी पास भेजिया है। तां सतगुरां बैठण दा हुक्म कीता। जद हुक्म पाए कर बैठ गया, तां सतगुरां इसलिए जल मंगवाया। जद इसने जल छकिया तां इसदा मन शांत हो गया ते पीड़ा भी कट गई। सतगुरु जी सेवकां नाल गोश्त करन लग पए। तां एक सेवक ने ये शब्द पढ़ के अपने मन दा भाव दर्शाया। पैरो महला पंजवा, करण कारण समरथ गुर मेरा, जी प्राण सुख दाता नेरा, पै पंजन अविनाशी राए, दर्शन देखिए सब दुख जाए, जत कत पेखो तेरी सरणा, बल बल जाई सतगुर चरणा रहाओ, पूरन काम मिले गुरुदेव, सब फल दाता निर्मल सेव, कर गह लीनो अपने दास, राम नाम रिद की दियो निवास, सदा आनंद नहीं किछ सोग, दुख दर्द न व्यापै रोग, सब किछ तेरा तू करणै हार, पार ब्रह्म गुर अगम अपार, निर्मल शोभा अचरज बाणी, पार ब्रह्म पूरन मन पाणी, जल थल मैयल रव्या सोए, नानक सब किछ प्रभ ते होए। सबद उपरंत संगत ने सतगुरु जी नू बेनती कीती, सच्चे पातशाह जी आप जी सानू इस शब्द दे पावरत समझाओ। तां सतगुरां दस्या जो इस शब्द विच पंजवें पातशाह ने सतगुरां दी उपमा इस तरह कीती है। सुनो, हे भाई मेरे गुरु परमेश्वर सारी सृष्टि दा मूल है, मेरा गुर परमेश्वर सारी सृष्टि दा मूल है, सब ताकतां दा मालक है, सब नू जिंद ते प्राण देण वाला है, सारे सुख देण वाला है, सबना दे नेड़े वसदा है। हे भाई ओ पातशाह, जीवां दे सारे डर दूर करन वाला है, ओ आप
नाश रहत है। जे उसका दर्शन हो जाए ता मनुख दा सारा दुख दूर हो जाता है। जे उसका दर्शन हो जाए ता मनुख दा सारा दुख दूर हो जाता है। हे प्रभु, मैं अपने गुरु दे चरणा तो सदा सदके जाता हाँ, जिसने मैनू तेरे चरणा नाल जोड़िया है। हुण मैं हर थां तेरा ही आसरा तकदा हाँ। हे भाई गुरदेव, मिलिया सारिया कामना पूरियां हो जांदियां हन। ओ प्रभु सारे फल देण वाला है, उसकी सेवा भगती जीवन नू पवित्र कर देंदी है। हे भाई प्रभु अपने दासां दा हथ फड़ के उन्हां नू अपना बना लैंदा है अते उन्हां दे हिरदे विच अपना नाम टिका देंदा है। हे गुरु पारब्रह्म, हे अपहुंच, हे बेअंत, जो कुछ तू दिस रहा है ये सब कुछ तेरा पैदा कीता होया है। हे गुरु पारब्रह्म, हे अपहुंच, हे बेअंत, जो कुछ दिस रहा है ये सब कुछ तेरा पैदा कीता होया है। तू ही सब कुछ पैदा करन दी समर्था वाला है, जिस दे हिरदे विच तू अपना नाम टिकांदा है उस दे अंदर सदा आनंद वसिया रहंदा है। उसनू कोई गम पो नहीं सकदा, कोई दुख, कोई दर्द, कोई रोग उस उते अपना जोर नहीं पा सकदा। हे भाई सर्वव्यापक परमात्मा दी बिस्मात पैदा करन वाली सिफत सलाहा जिस मनुख दे मन विच मिठी लग पैंदी है उस दी बेदाग शोभा हर थां पसर जांदी है। पंजवें पातशाह जी कथन करदे हन, ओ प्रभु जल विच, धरती विच, आकाश विच सब थां मौजूद है। जो कुछ जगत विच हो रहा है सब कुछ प्रभु दे हुक्म नाल ही हो रहा है। ब्रह्मदास सारी कथा बड़े ध्यान नाल सुन रहा सी, जिसका एक एक अक्षर उसकी समझ विच आ रहा सी। थोड़ी देर बाद उस सतगुरां दे सन्मुख खड़े होकर बेनती कीती, सच्चे पातशाह जी मेरे पेट विच बहुत दर्द रहिंदा है, मैं इलाज लई स्वाबी हस्पताल गया सां तां डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पेगा, मैनू ऑपरेशन तो बहुत डर लगता है। जिसका जिक्र मैं अपने मित्र चौधरी सेवा राम अगे किया तो उस मैनू आप जी की शरण विच भेजिया है, कृपा करके मेरा दुख दूर करो जी। इतना कह के वो रोन लग पिया। उसकी सारी विथ्या सुन के सतगुरु जी ने धीरज दिता ते आख्या घबरा नहीं, ऑपरेशन कराने की कोई लोड़ नहीं। जिस समय प्यास लगे पानी थोड़ा गर्म करके पी लिया कर, ते गर्म पानी बोतल विच भर के सेक कीता कर।
सतगुरां ने धीरज दिता ते आख्या घबरा नहीं, ऑपरेशन करान दी कोई लोड़ नहीं। जिस समय प्यास लगे पानी थोड़ा गर्म करके पी लिया कर, ते गर्म पानी दी बोतल विच ते गर्म पानी बोतल विच भर के सेक कीता कर। श्री सतगुरु संगता जी भली करनगे। उस रात कैमलपुर ही रहा, सवेरे फिर गुरुद्वारे गया, उत्थे शब्द कीर्तन श्रवण कीता ते सतगुरां दे मुखारबिंद तों इस शब्द की कथा भी सुनी। बिलावल महला पंजवां, सगल मनोरथ पाइए मीता, चरण कमल स्यों लाइए चीता। हों बलिहारी जो प्रभु त्यावत, जलन बुझे हर हर गुण गावत। रहाओ सफल जन्म होवत वड पागी, साध संग राम लिव लागी। मत पत तन सुख सहज आनंदा, एक निमक ना विसरो परमानंदा। हर दर्शन की मन प्यास कनेरी, पनत नानक शरण प्रभ तेरी। सतगुरां दसिया इस शब्द विच पंजवें पातशाह फुरमाउंदे हन, हे मित्र, परमात्मा दे कोल फुल वर्गे कोमल चरणा विच चित जोड़ना चाहिदा है। इस तरह मन दियां सारियां मुरादां हासिल कर ली दियां हन। हे मित्र, परमात्मा दे कौल फुल वर्गे कोमल चरणा विच चित जोड़ना चाहिदा है। इस तरह मन दियां सारियां मुरादां हासिल कर ली दियां हन। हे भाई, मैं उन्हां मनुखां तों कुर्बान जांदा हाँ जेड़े प्रभु दा नाम सिमरदे हन, प्रभु दे गुण गांदियां गांदियां सड़न बुझ जांदी है। हे भाई, गुरु दी संगत विच टिक के जिन्हां मनुखां दी सुरत प्रभु विच जुड़दी है, उन्हां वडपागियां दी जिंदगी कामयाब हो जांदी है। हे भाई, सब तो आनंद दे मालक परमात्मा दा नाम अख चमकण जितने समय लई भी ना भुलावो। नाम दी बरकत नाल मत उची होंदी है, लोक परलोक विच इज्जत मिलदी है, आत्मिक अडोलता दे सुख आनंद दा तन प्राप्त होंदा है। पंजवें नानक जी बेनती करदे हन, हे प्रभु, मैं तेरी शरण विच आया हाँ। हे हरि, मेरे मन विच तेरा दर्शन करन दी बड़ी तांग है, मेरी तांग पूरी करो जी। ब्रह्मदास ने इस कथा नू बड़े ध्यान नाल सुनिया ते मन विच सोचदा है, मैं तां सतगुरां तों नाम ही नहीं लिया तां सिमरन किवें करांगा। पर हिम्मत नहीं पई जो सतगुरां नू नाम लई बेनती करे। अते सोचिया जस चौधरी ना लावांगा, उस समय ही नाम लई बेनती करांगा। कथा दा भोग पिया ते संगत आपो अपने घरां नू चली गई। त
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਨੇਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਿੰਗਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਸਦਕਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਰਮ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਉੱਠੀ। ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਗਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਚਿੰਗਲੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਸਦਕਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਉੱਠੀ। ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਗਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਚਿੰਗਲੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਏਕੰਕਾਰ ਤਤਗੁਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆ
काल नानक ते मुख उजले केती छुटे नाल उते आगे हरे दास हमारी जियो पिंड सब तेरा प्यारिया कहो नानक सब ते वड़ियाई कोई ना जाने मेरा सतगुरु ओ नानक सब दे वड़ियाई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु एकांगार सतगुरु प्रसाद अरदास तुझे आगे अरदास हमारे जियो पिंड साहब तेरा को नानक साहब तेरी वड़ियाई कोई नाव न जाने मेरा आनंकार जी चिमर कह गुरु नानक लेते आए फिरंग टे गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाए अर्जन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे सब दुख जाए एक बात चिमरिया कारण नो नित आवे ताए सब थाना सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब थाई होना चाहे धन धन साहब श्री ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी का तन दा मार्ग दिया बताए धन धन सतगुरु संगता साहब जियो सतगुरु राम सिंह साहब जी का नाम दिया बरताए धन धन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया छाए धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते हुए सहाए धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए सहाए अंतर जामी सतगुरु जी आजरा हजूरो जारा जहूरो सर्व कला का पूर्णो पाछा जियो इस वक्त आप भक्ति के रहमत करो अमर तो लैके हूँ तक अपने सोने दरबार सजा के सरबत सात संगत नू दर्शन दे के निहाल करो आप जी का कोटंग कोटंग धनवाद है आप जी दे भाणे अंदर चार पैर हाथ सुख और कांता प्रतीत हो ही है आप जी दे भाणे अंदर चार पैर दिन आया है आप जी नू भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी दर्स करनी दया करनी नानक नजरी नजर निहाल करनी अति कल युग जीवां खिन खिन भूलण हारा रोम रोम गुणांगारा ना भुलनी ना भुलावी ना विसरी ना विसारी ओ काम करवाने जो आप जी नू भावन ओ काम ना कराने जो आप तो बेमुख होण अंतर जामी सतगुरु जीओ आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है हो मूरख कारे लाहिया नानक हर कमे पाठा जियो अंबर तो लहके हूँ तक आप जी दे सोने सत अंदर बार अंदर दवान सजे हैं सजे दवान अंदर जप प्रयोग नू मुख रखते हुए नितनेम वरनी साहब जी हुए हैं तारिया जहान लिया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुनू धन गया ने ना आया
ਗੁਰੂ ਦੇਵਤਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਬਖਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ, ਉੱਦਮ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਣਾ, ਆਈ ਹੋਈ ਸਰਬੱਤ ਸਾਤੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜੇ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾ ਮਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਅਮਾਰੀ ਰਹਾਓ, ਅਵਰ ਨ ਤੂਜੈ ਦੂਜੀ ਠਾਇਰ, ਹਰ ਪਰੋ ਤੋ ਦੁਆਰੇ, ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਸਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਨ ਪਾਠੈ ਪਰਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਤੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਕਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ, ਇਆਂ ਉਆਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜੋ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ, ਸਰਬੱਤ ਸਾਤੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਸਾਤੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਾਪ ਦਾਟ ਬੋਲ ਕੇ, ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਣਾ, ਸਾਤੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਣੀ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਬਖਣੀ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਚੰਗਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਤਾ ਜੀਓ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਮਾਨ ਜਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਸਾਤੰਗਤ ਝੋਲੀ ਅੜ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਡਾਂਟ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣ ਦਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਖਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਤੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੁਹਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ, ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਣਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਤੰਗ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਣੀ, ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤਜਣਗੇ, ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਣੀ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਰਸੀਲੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰੱਖੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਣੀ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ, ਉਦਮ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਬੱਝ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲਿਆਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰਕ ਜਾਣ ਚੋਂ ਕਲਾਬ ਚਾਰ ਦੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੀਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੱਤ ਸਾਤੰਗ ਅਤੇ ਵਰਤੇ, ਸਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਕੇਤਾਵੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਾ ਕੇ
ओट गए जी संत दर आया शरब नानक ते आया ओट गए जी सैम दर आया शरब सुख सत गुर संग तारे जान लिया अभिमान जेने दर्शन पाया जेने तुडनु तन गया तेने जम नेड़े ना आया तारे जान लिया अभिमान जेने दर्शन पाया जेने तुडनु तन गया तेने जम नेड़े ना आया तारे जान लिया अभिमान जेने दर्शन पाया जेने तुडनु तन गया तेने जम नेड़े ना जेने तुडनु तन गया तेने जम नेड़े ना आया ढेंदी सजना सजन मैंडे नाल नानक अलग नलकिया गुरमुख दे देखाल ना मैला ना टुंडला ना भगवा ना काज नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता साच मैं नहीं किते ओ नहीं ना मैं नहीं किते ओ नहीं ना आई मोरा ओ तर लज्जा राख ले सदना जान तोरा ओ तर लज्जा राख ले सदना जान तोरा जैत्री महला पंजवा कोई जन हर चो देव जोर चरण गोह बको शुभ रचना दी जय प्राण अकोर कोई जन हर चो देव जोर चरण गोह बको शुभ रचना दी जय प्राण अकोर राहो मन तन निर्मल करत के हारो हर चिंच सुधा संजोर या रथ में मगन होट केर पाते मां बिकया ते तोर आयो शरण दीन दुख पंजन चितवो तुमरी और अब पद दान सिमरन स्वामी को प्रभु नानक बंधन छोर आयो शरण दीन दुख पंजन चितवो तुमरी और अब पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन छोर साहेब आप जी की सदाई जय धन धन साहेब
कोटि नमः शिवाय।